नमस्कार दोस्तों, आज है 24 जून। तो 24 जून के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताकि वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा फैसला, बीकॉम व एमकॉम उत्तीर्ण छात्रों को सीधे सीएस एग्जीक्यूटिव में मिलेगा प्रवेश। बीकॉम उत्तीर्ण छात्रों को एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस से राहत और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आदेश वो जारी किए। यूजी व पीजी छात्रों को मिली है राहत। विश्वविद्यालय में पूरक व कोविड विशेष परीक्षा आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। पीजी के नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन की तिथि वो बढ़ी। 30 जून तक कर सकेंगे आप आवेदन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव पुनी तिथि आयोजित की जाए। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्टूडेंट है वो 30 जून से पहले पहले इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो निबंध प्रतियोगिता होगी उसमें। राजस्थान सरकार का फैसला, सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के 60 लाख छात्रों को ड्रेस फ्री दी जाएगी। नेक्स्ट है, 26 सितंबर को होगी रीट परीक्षा। जो रीट की परीक्षा है अभ्यर्थी ऑनलाइन करें 5 जुलाई तक आवेदन। अब तक 16 लाख से ज़्यादा आवेदन है वो हो चुके हैं इसके। शिक्षा विभाग ने तय किया 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्मूला। 45 दिन के अंदर जारी होंगे परीक्षा के परिणाम। कमेटी की रिपोर्ट को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी हरी झंडी। 17 अंक का अखबार पूर्व के वर्षों के भांति 20% वो रहेगा। अगस्त में हो सकती है नीट जेईई और सीयूईटी की जो परीक्षा है वो प्रतियोगी परीक्षा। 3 बड़ी परीक्षाओं को लेकर असमंजस है वो खत्म हुआ। जेईई नीट के संदर्भ में एनटीए ने कहा कि परीक्षा से 15 दिन पहले तारीख की घोषणा कर देंगे वो। इसी शिक्षा सत्र से खुलेंगे 9 नए एकलव्य मॉडल स्कूल है वो खोल दिए जाएंगे इसी सत्र से। सरकारी स्कूलों के बदलेगी यूनिफॉर्म। कंप्यूटर शिक्षक भविष्य में नियमित होंगे, डोटासरा ने ऐसा कहा है। समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई थी आयोजित, उसके अंदर ये बयान उन्होंने दिया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं तो कर्मचारियों के प्रमोशन पर वो रोक लगा दी गई। 1 जुलाई से ऑनलाइन भर सकेंगे अचल संपत्ति विवरण, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। सरकार का बड़ा फैसला, अब एक ही परीक्षा से मिलेगी सरकारी नौकरी और सभी तरह के नॉन टेक्निकल पदों के लिए होगा कॉमन एलिजिबल टेस्ट। इसी के नंबरों के आधार पर भरे जाएंगे पद। अनुशंसाओं पर मोहर लगती है तो फाइनल ईयर की परीक्षाएं होगी। कमेटी ने दी रिपोर्ट। स्टूडेंट को राज्य सरकार के आदेश का इंतजाम। प्रथम व द्वितीय वर्ष की है वो जो परीक्षाएं वो टल सकती है। अगले वर्ष दोगुने विद्यार्थी देंगे आईआईटी व अन्य कंपटीशन एग्जाम। जीवी सर ने ऐसा कहा, बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है उचित मार्गदर्शन की। डॉक्टर SP पाटीदार और न्यूरोलॉजिस्टर जयपुर। जुलाई अंत तक हो सकती है विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। घर घर जाकर कराएंगे बीएड की इंटर्नशिप। शिक्षा विभाग का निर्णय, छात्रों ने जताया विरोध। रीट से बाहर हो जाएंगे बीएड छात्र। 9वीं-11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों का पुनर्मूल्यांकन शुरू। राजस्थान शिक्षक संघ युवा धौलपुर ने भेजा CM और शिक्षा मंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र। पिछली 2 परीक्षाएं होगी आधार। 45 दिन में जारी होगा परिणाम। कमेटी ने फॉर्मूले को शिक्षा मंत्री ने दे दी है हरी झंडी। 10वीं और 12वीं का परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। पिछली 2 कक्षाओं के विषयों के नंबर है वो उसमें के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। JEE Main 2021 17 जुलाई को होगी JEE Main की जो परीक्षा। 14 अगस्त को आएगा इसका रिजल्ट। शिक्षा विभाग खंगाल रहा है रिक्त पद। जल्द हो सकती है बड़ी भर्ती। अगले 2 साल होने वाले भर्तियों भी शामिल। आज के समाचार यही समाप्त। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।